टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स अंडर 11,000 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के समय पर अपने लिए एक परफेक्ट 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके लिए पिक किए हुए ऐसे 5 स्मार्टफोन जहां पर आपको तगड़ी लेवल की परफॉर्मेंस मिलेगी, टॉप नॉच कैमराज होंगे, टॉप नॉच डिजाइन आपको मिलेगा, साथ ही साथ लंबी चलने वाली बैटरी और तो और अच्छे खासे 5G बैंड्स भी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं इस लिस्ट को एक लेटेस्ट स्मार्टफोन से, और दोस्तों यहां पर हमने रखा हुआ है पोको की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च पोको M6 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट देखा जाए तो आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के काफी अच्छे मिलते हैं। वैसे हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, ये अच्छी बात है। साथ ही साथ फोन 8.1 मिलीमीटर की थिकनेस और अराउंड 200 ग्राम्स के साथ में आता है, सो इन हैंड फीलिंग और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही आपको अच्छी मिलती है। अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.74 इंचेस की HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, 600 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर डिसेंट मिलती है। बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया। वहीं पर अगर हम बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप ठीक ठाक है और आपको यहाँ पर इमेजेस थोड़ी सी डिसेंट टाइप की मिलती है। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। सो कैमरा देखा जाए तो यहाँ पर अब वो एवरेज है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट। साथ ही आपको यहाँ पर गेमिंग के लिए मिलता है आर्म वाली G57 MC2 का 2 कोर का GPU, और अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4.25 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है, साथ ही साथ LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज दिया गया है। तो परफॉर्मेंस वाइज आपको फोन के अंदर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है, आप यहाँ पर मीडियम से लेकर के हाई लेवल की सेटिंग पर गेमिंग कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5000 की बैटरी, 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर जिसके आउटपुट आपको थोड़े से डिसेंट मिलेंगे, और साथ ही साथ ट्रिपल गार्ड का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। अब बात करें यूजर इंटरफेस की दोस्तों, तो स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलता है एंड्रॉइड 13 बेस MIUI 14। जी हाँ, थोड़ा सा पुराना है, लेकिन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 14 का अपडेट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन दोनों ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो आपको यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 10,499 रुपए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले फोन की, तो दोस्तों अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ से ही आने वाला इन्फिनिक्स का हॉट 30 5G। ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, हालांकि बैक साइड में ग्लॉसी फिनिशिंग दी गई जो कि फोन के लुक को और ज्यादा बेहतरीन बनाती है। हालांकि ये फोन 215 ग्राम वेट के साथ में आता है, जिस वजह से स्मार्टफोन थोड़ा सा बल्की हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर IP53 की रेटिंग भी दी गई है, तो हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, तो ये भी अच्छी बात है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.78 इंचेस की एक बड़ी सी फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल जो कि पैंडा ग्लास के सपोर्ट के साथ में आती है, और 580 नीट्स की आपको यहाँ पर पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। रही बात गेमिंग की, तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है, तो ये अच्छी बात है। ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। तो चलिए फिर अब बात कर लेते हैं फोन के बड़े बड़े कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.6 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक AI लेंस देखने को मिल जाता है। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा आउटपुट की बात करें तो आपको यहाँ पर इमेज क्वालिटी डिसेंट टाइप की देखने को मिलती है, हालांकि अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छी है तो आपको इमेज क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिल जाती है। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो आप फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से 2K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के चिपसेट की, तो फोन के अंदर लगा हुआ है 7nm बेस MediaTek Dimensity 6020 का चिपसेट। दोस्तों ये जो चिपसेट है ये आपको लगभग 3,70,000 के आसपास अंततः स्कोर निकाल कर देता है, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी देता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है, सो और परफॉर्मेंस वाइज आपको यहाँ पर कोई भी खास दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की,
तो इस फोन के बैक साइड में आपको 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरा देखने को मिलता है और साथ ही फोन 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है चार्जर बॉक्स के अंदर। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिलती है। हालांकि चार्जिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा होगा लेकिन बैटरी बैकअप आपको डेफिनेटली काफी अच्छा निकाल कर देता है। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं कुछ अदर फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स जिसकी ऑडियो आउटपुट काफी कमाल की है, साथ ही साथ ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप एक साथ में 2 5G SIM और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर आता है जहां पर आपको मिलता है XOS 13। रही बात स्मार्टफोन की 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन लगभग सारे ही 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो ये बहुत ही कमाल की बात है। और देखा जाएगा इस तो काफी अच्छा फ्यूचरिस्टिक 5G स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स की तरफ से। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इस फोन की तरफ डेफिनेटली देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, तो नॉर्मली 4 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 12,499 रुपए। पर दोस्तों अभी आपको यहाँ पर सेल भी देखने को मिल रही है, तो अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको लगभग 11,700 रुपए की प्राइस पर मिल जाएगा। और प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो काफी अच्छा पैकेज है, आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। बात करें लिस्ट के आखिरी फोन की दोस्तों, तो यहाँ पर हमने रखा हुआ है एक लेटेस्ट फोन जो कि आता है पोको की तरफ से, पोको का M6 Pro 5G। बात करें इस फोन की, तो वैसे तो फोन का डिजाइन और लुक आपको हमेशा की तरह थोड़ा सा यूनिक देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ ये फोन पूरी तरह से ग्लास बिल्ड पर बना हुआ है। हालांकि फ्रेम आपको प्लास्टिक की मिलेगी और साथ ही साथ आपको यहाँ पर वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, सो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको टॉप नॉच मिलती है। बात करें फोन की डिस्प्ले की, तो फोन के अंदर लगी हुई है 6.79 इंचेस की एक बड़ी सी फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है, 550 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिल जाती है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी भी यहाँ पर आपको अच्छी दी गई है। चलिए कैमरास की बात कर लेते हैं, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं 2 कैमरास। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है और आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। वैसे यहाँ पर आपको काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। और रही बात आउटपुट की, तो आपको यहाँ पर डे लाइट में डिसेंट आउटपुट देखने को मिल जाते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के चिपसेट की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 4 Generation 2 का चिपसेट जो कि दोस्तों 4nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। और अच्छी बात यह है कि आपको बहुत ही अच्छी और लंबी बैटरी बैकअप निकाल कर देता है, साथ ही साथ फोन की परफॉर्मेंस भी काफी कमाल की है। ये स्मार्टफोन Antutu पर लगभग 4,37,000 के आसपास स्कोर कर जाता है और गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर Adreno 613 का GPU देखने को मिल जाता है जो कि आपको यहाँ पर काफी अच्छी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। साथ ही साथ फोन के अंदर LPDDR4X RAM और UFS 2.2 का स्टोरेज भी लगा हुआ है, तो परफॉर्मेंस आपको बजट के हिसाब से टॉप नॉच मिलती है। बात कर ले अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, साथ ही साथ हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन जहाँ पर आप एक साथ में एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 13 बेस MIUI 14 पर। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड के साथ में भी आता है, सो ओवरऑल देखा जाए तो कंप्लीट पैकेज है। तो अगर आप एक 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं और आपका बजट लगभग 10 से 11 हजार रुपए, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4 और 64 के लिए आपको देने होंगे 10,999 रुपए। तो हालांकि ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा लेकिन फोन के लुक, कैमरा और परफॉर्मेंस तीनों ही काफी कमाल के हैं। और ये फोन है यहाँ पर Realme का Narzo 60X 5G। तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है बट बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर बहुत अच्छे दिए गए हैं। बैक साइड में आपको यहाँ पर ग्लिटरी डिजाइन देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा लगता है। साथ ही साथ दोस्तों ये फोन 7.9 मिलीमीटर की थिकनेस और 190 ग्राम के साथ में आता है, यानी काफी लाइट वेट और काफी स्लिम भी है। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.72 इंचेस की एक बड़ी सी फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल, साथ ही आपको यहाँ पर 680 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी दी गई है, सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिल जाएंगे। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको f2.4 का एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर डे लाइट में फोटोज भी काफी कमाल की मिलती हैं। वैसे फोन का नाइट मोड भी काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। वीडियो की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, सो कैमरा से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के प्रोसेसर की।
तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको एक लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिल जाता है, 6nm बेस MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट। अच्छी बात यह है दोस्तों कि यह प्रोसेसर रियल टाइम में बहुत ही ज्यादा स्टेबल है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 4 लाख के आसपास अंतत स्कोर भी निकाल कर देता है। वैसे गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर आम मान लीजिए 57MC2 का 2 कोर का GPU मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पर हाई सेटिंग पर काफी अच्छी गेमिंग कराने में भी कैपेबल है। साथ ही साथ फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और UFS 2.1 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो ओवरऑल दोस्तों प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिलती है। फोन 33W चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको दी गई है। वैसे अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो आपको यहाँ पर इजीली 1 दिन का बैकअप भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए अब कुछ एडवांस फीचर्स की बात कर लें, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, लेकिन ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी और लाउड है। वैसे कार्ड स्लॉट की बात करें तो आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ दोस्तों ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर आपको मिलेगा, जहां पर आपको मिलता है रियलमी का UI 4.0। बट प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आपको यहां पर पहले से ही काफ़ी सारे प्री इंस्टॉल ब्लॉटवेयर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि आप उन्हें निकाल तो सकते हैं, लेकिन पहले से आते हैं तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो अगर आप रियलमी की तरफ से कम प्राइस पर एक अच्छा 5G स्मार्टफोन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आप डेफिनेटली इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की दोस्तों, तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको नॉर्मली पे करने पड़ते हैं 12,999 रुपये। बट अभी आपको यहाँ पर अमेजोन पर 1,000 रुपये का डिस्काउंट कूपन मिल रहा है, जिसे आप अप्लाई करके स्मार्टफोन को सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये की कीमत पर परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और अगला स्मार्टफोन हम रखा हुआ है यहाँ पर मोटोरोला की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च Moto G34 5G। बात करें इस फोन की तो डिजाइन आपको एज यूजुअल हमेशा की तरह वैसा ही देखने को मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों बैक साइड में आपको यहाँ पर वेगन लेदर का सपोर्ट दिया गया है, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन आपको प्रीमियम बिल्ड के साथ में मिलेगा। और हाँ दोस्तों ये स्मार्टफोन 8mm की थिकनेस और 183 ग्राम्स के साथ में आता है। और रही बात इन हैंड फीलिंग की, तो इन हैंड में आपको यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आने वाले। रही बात फोन की डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक HD+ वाली IPS LCD पैनल, साथ ही आपको यहाँ पर पैंडा ग्लास का सपोर्ट देखने को मिलेगा। 580 नीट तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी। और सबसे अच्छी बात 120Hz तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट आपको मिलती है। सो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर जो डिस्प्ले क्वालिटी है प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे थोड़ी सी डिसेंट है। अगर यहाँ पर Full HD+ का रिजोल्यूशन होता तो फिर यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी होती। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा लगा हुआ है 50MP का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2MP का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर भी दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलेगा 16MP का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है। और रही बात इमेज आउटपुट की, तो आपको यहाँ पर डे लाइट में डिसेंट टाइप के आउटपुट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर चाहें तो कलर को इन्हेंस कर सकते हैं। आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स और काफी सारे फीचर्स वगैरह दिए गए हैं, तो आप अपनी फोटो क्वालिटी को और इन्हेंस कर सकते हैं। रही बात वीडियो क्वालिटी की, तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से Full HD की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30fps, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैक्रो कैमरा से भी वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली दोस्तों वन ऑफ द फास्टेस्ट स्मार्टफोन आपको यहाँ पर मिलता है। स्मार्टफोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस Qualcomm Snapdragon 695 का पावरफुल चिपसेट, और दोस्तों यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है Adreno 619 का GPU। और अच्छी बात यह कि स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली वन ऑफ द फास्टेस्ट स्मार्टफोन है। और इसी के साथ में आप यहाँ पर हाई लेवल की सेटिंग पर भी गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली दोस्तों काफी अच्छा फोन है। अब बात करते हैं पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है और 20W की चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलेगा। चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिलती है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, जिसके आउटपुट दोस्तों डेफिनेटली अच्छे हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया है, तो आउटपुट में आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं आने वाले। कार्ड ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिलेगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च किया गया, और आपको यहाँ पर 1 साल का मेजर अपडेट भी देखने को मिलेगा। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर 13 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है, साथ ही IP52 रेटिंग के साथ में आता है, तो हल्का फुल्का वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाएगा।
और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन वीओ एनआर के सपोर्ट के साथ में आता है, यानी कि आप यहाँ पर 5G पर वॉइस कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर कैरियर एग्रेशन का भी सपोर्ट दिया गया है। सो ओवरऑल ये स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली काफी अच्छा पैकेज है। तो चलिए बात करते हैं प्राइसिंग की। तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 10,999 रुपए। वहीं पर स्मार्टफोन के 8 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 11,999 रुपए। वैसे हमने सभी के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, तो आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो भाई लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।